सो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्रिकेट सुपर फैंस, मैं हूं रफी। तो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 के सुपर 12 में टीम इंडिया अपना पांचवा और आखिरी मुकाबला नामीबिया के खिलाफ खेलने वाली है 8 नवंबर 2021 मंडे को। यह मुकाबला भी काफी शानदार, काफी जबरदस्त होने वाला है और भारतीय टीम का यह मैच भी मस्ट विन मुकाबला है, करो या मरो का मुकाबला है। टीम इंडिया को नामीबिया को भी हर हाल में यह मुकाबला हराना होगा अगर टीम इंडिया को सेमीफाइनल की रेस में बने रहना है। दोस्तों, टीम इंडिया के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने का जो सिनेरियो है वो ये है कि पहले तो अफगानिस्तान की टीम को न्यूजीलैंड को हराना होगा। अगर अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा दिया और टीम इंडिया ने अपना आखिरी मुकाबला नामीबिया को हरा दिया तो टीम इंडिया यहां से डायरेक्ट सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन अगर भले ही टीम इंडिया नामीबिया को हरा दे, वहीं दूसरी ओर अगर अफगानिस्तान की टीम न्यूजीलैंड को हरा नहीं पाती है तो फिर टीम इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाएगी भले ही नामीबिया की टीम को क्यों ना हरा दे। तो इस लिहाज से जितना इंपॉर्टेंट इंडिया वर्सेस नामीबिया के बीच मुकाबला है उससे ज्यादा कहीं इंपॉर्टेंट अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच होने वाला मुकाबला होगा कि अफगानिस्तान की टीम वो मैच जीते भारतीय टीम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। तो इस टी20 वर्ल्ड कप 2021 की शुरुआत टीम इंडिया के कुछ खास नहीं रही थी। पहले पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया को एक तरफा हार मिली थी, पहले 10 विकेट के अंतर से, उसके बाद 8 विकेट के बड़े अंतर से। तो लगातार दो मैचों में करारी हार के बाद टीम इंडिया ने जबरदस्त वापसी की है, लगातार बैक टू बैक दो मुकाबले जीत लिए हैं। पहले अफगानिस्तान की टीम को एक तरफा हराया तो वहीं बैक टू बैक स्कॉटलैंड की टीम को भी एक तरफा हराया, अब बारी है नामीबिया की टीम को एक तरफा हराने की। तो आखिर नामीबिया के खिलाफ क्या होने वाली है, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 किन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरने वाली, इस वीडियो में पूरी विस्तार से डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा ब्रेक। तो गाइस, आईपीएल के बाद अब टी20 वर्ल्ड कप में भी एमपीएल पर अपनी टीम बनाकर खेलने वाला हूं, जहां पर आप भी लाखों रुपए जीत सकते हैं। आप भी जल्दी से अपना टीम एमपीएल पर बना लीजिए और मेरे साथ खेलिए। गाइस, एमपीएल पर वर्ल्ड कप में इंडिया के मैच वाले दिन आप डेली 2 करोड़ तक जीत सकते हैं और आप 1000 रुपए तक कैशबैक भी पा सकते हैं कम से कम 35 रुपए के डिपॉजिट पर। और हां, आप एमपीएल पर फ्री में खेलकर लाखों जीत सकते हैं। ये सब लोग जैसे विनर्स बने हैं वैसे आप भी अपनी टीम बनाकर विनर्स की लिस्ट में अपना नाम बनाओ। तो जाओ जल्दी से बनाओ अपनी टीम, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया। अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो टी20 वर्ल्ड कप 2021 के सुपर 12 का आखिरी मैच, जो कि ये टीम इंडिया का भी पांचवा और आखिरी मुकाबला है सुपर 12 में, जो कि इंडिया वर्सेस नामीबिया के बीच यह मुकाबला 8 नवंबर 2021 मंडे को खेला जाएगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से यह मैच भी स्टार्ट होने वाला, यानी कि 7:30 PM से। बात करें टीम इंडिया की तो टीम इंडिया अब तक टी20 विश्व कप 2021 में टोटल 4 मुकाबले खेल चुकी है, 2 मैचों में जीत और 2 मैचों में हार। टीम इंडिया के टोटल 4 अंक हैं और टीम इंडिया का फिलहाल जो रन रेट है वो प्लस में है, जो कि +1.619 टीम इंडिया का नेट रन रेट है। बात करें नामीबिया के खिलाफ आखिर क्या होने वाली है टीम इंडिया की प्लेइंग 11, तो एज ओपनर नंबर 1 पर होने वाले हिटमैन यानी कि रोहित शर्मा, जो शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, पिछले मैच में भी शानदार बल्लेबाजी की थी, 30 रनों की धुआंधार पारी खेली थी। तो वहीं नंबर 2 पर केएल राहुल, जो कि ये भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं पिछले 2 मुकाबलों से, और पिछले मैच में स्कॉटलैंड के खिलाफ क्या शानदार शुरुआत दिलाया था टीम इंडिया को, 50 स्कोर किया था इन्होंने। बात करें नंबर 3 की तो नंबर 3 पर किंग कोहली यानी कि भारतीय टीम के जबरदस्त कप्तान और बैट्समैन विराट कोहली, नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव, नंबर 5 पर ऋषभ पंत, जबरदस्त विस्फोटक बल्लेबाज और युवा विकेट कीपर बैट्समैन। अगर हम बात करें नंबर 6 की तो नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या, जबरदस्त ऑलराउंडर। तो वहीं नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा, हरफन मौला खिलाड़ी, जबकि नंबर 8 पर रविचंद्र अश्विन, बेहतरीन स्पिनर, जो कि ये भी अच्छी खासी लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी कर सकते हैं। बात करें नंबर 9 की तो नंबर 9 पर मोहम्मद शमी, एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर, जिन्होंने पिछले मैच में क्या शानदार जबरदस्त गेंदबाजी कराई थी, 3 अहम विकेट चटकाए थे। वहीं इसके बाद नंबर 10 पर होंगे बेहतरीन स्पिनर वरुण चक्रवर्ती, जबकि नंबर 11 पर यॉर्कर किंग यानी कि जसप्रीत बुमराह। तो गाइस, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 नामीबिया के खिलाफ। तो इस मुकाबले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हां, अगर आपने अभी तक एमपीएल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और बनाइए अपनी टीम। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क।